फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन हमारे अपने चैनल में एक्सप्लोर विद बाबा। फ्रेंड्स, कल 23 तारीख था और कल 23 तारीख शाम को जो कि सैडली मेरा बर्थडे भी था, लेकिन कल ऐसा थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया मेरा, जो RE क्लासिक 350 का, तो वो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उससे जो है मेरा कल का जो दिन है वो बर्बाद चला गया, क्योंकि मैं शाम को केक काटने ही वाला था, तो जब मैं घर वापस जा रहा था तो इस तरह का केस जो है हो गया। तो ध्यान रखिए ऐसा ना हो, मैं आगे चल के बताता हूँ कि कैसा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से आके जो है बहुत ज़ोर का ठोकर जो है मारा है, और देखिए ये सारा चीज़ जो है टूट गया है। देखिए ये सारा चीज़ जो है टूट गया है, पूरी बहुत बुरी तरह से मारा है। और ये जो मेरा इंडिकेटर है, जो बुलेट का जो इंडिकेटर है, ये देखो यहाँ से पूरा टूट गया है, पूरा क्रैक हो गया है। तो ये जो चलाया जो बंदा है, ये आपको फ़ोटो में अभी दिख रहा होगा, इसने जो है बहुत स्पीड में वो चला के आए थे, दो लोग थे, उन्होंने ऐसे ज़ोर से मेरे को टक्कर मारा पीछे से। हालांकि मैं तो गिरा नहीं, मैं स्टेबल था, क्योंकि बाइक बहुत भारी है और मेरा हैंडलिंग भी अच्छा था, तो इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं है। और देखिए ये साइलेंसर का हालत देखिए, पूरे यहाँ से जो है वो उन्होंने ज़ोर से मारा था, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से क्रैक हो चुका है, टूट चुका है साइलेंसर। देखिए मेरा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए साइलेंसर भी पूरा टूट चुका है। तो रास्ते में जो है मेरा उनसे थोड़ा वार्तालाप हो गया, क्योंकि एक तो देखिए मैंने इतने प्यार से इसको मैंने रखा था, मेरा RE क्लासिक को, और उसने हालत जो है क्या कर दिया। देखिए ये बॉक्स भी बहुत टेढ़ा हो गया, ये पूरी तरह से टेढ़ा हो गया, और ये इसका जो साइज़ है, देखिए ये यहाँ तक आ गया, जबकि यहाँ तक आना नहीं चाहिए, ये टेढ़ा हो गया है। जबकि और इस साइड जो है, इस साइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा सा आ गया है। देखिए गैप, देखिए इतना है, और यहाँ देखिए गैप बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है गैप। तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम हो गया, वो पीछे से आके चला के, उनको चलाना नहीं आता था, ऐसे बाइक ले लिया है हिमालयन रॉयल एनफील्ड, और वो चला के बस ऐसे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, अगर पीछे से अगर कोई आप आगे पीछे देख कर ही चलाइए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। हालांकि बहुत बात करने के बाद उन्होंने पेमेंट मुझे 3,500 रुपये दिया है, लेकिन अभी मुझे ये आइडिया नहीं है कि 3,500 में पूरा रिपेयर हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो देखिए नंबर प्लेट में आपको 1,000 रुपये के करीब चला जाएगा। और मेरा ये साइलेंसर जो है स्टॉक नहीं है, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था, क्योंकि इसका साउंड जो है अच्छा आता है, आपको इसका साउंड भी मैं सुना रहा हूँ। देखिए कंडीशन हो गया है, देखिए बुरी तरह से जो है क्रैश हो चुका है। तो साउंड इस तरह का है, ये डेलोइट का आपका आफ्टर मार्केट मैंने लगाया था साइलेंसर को, जो एग्जॉस्ट को, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये टूट चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और जाते जाते ये कहूँगा कि मैं जल्द से जल्द इसका नया साइलेंसर एग्जॉस्ट और रिपेयरिंग का वीडियो लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, धन्यवाद, बाय बाय।